दोस्तों एज अ गेम डेवलपर, एज अ एप्लीकेशन डेवलपर, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जब हमें गूगल प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन को, अपने गेम को अनपब्लिश करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश स्वागत करता हूं आपका नेस्टेड मैंगो चैनल पे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे किस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन और गेम अनपब्लिश कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। जी हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इसके पहले कोई एप्लीकेशन, कोई गेम आपने अनपब्लिश करा है कि नहीं करा है, अगर करा है तो क्या रीज़न थी। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे हम लोग लर्निंग के ट्यूटोरियल पोस्ट करते हैं। और दोस्तों बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारे रीज़न होते हैं, हो सकता है कि आप गेम और ऐप को टेस्ट करना चाहते हो तो आपने पब्लिश कर दिया है, या आप ऐप इन परचेज यूज़ करना चाहते हो, या आपका साइंड एपीके का की स्टोर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप अनपब्लिश करना चाहते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर साइन इन कर लेना है गूगल कंसोल पे, एंड देन वहाँ पे आपको स्टोर प्रेजेंस में जाना है, और वहाँ पे आप एज अ चिल्ड्रेन प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिस एप्लीकेशन इन दो वहाँ पे पेड और फ्री मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने अपने एप्लीकेशन को फ्री कर दिया है तो उसके बाद आप उसे पेड नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको अपडेटेड वर्जन ही यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन मिल जाता है आपको, टॉगल मिल जाता है जहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, और जब पब्लिश पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हट जाएगा और जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोड है वो उसका यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसे आपको कंफर्म करना है, और दोस्तों कंफर्म करने के बाद आपको जस्ट नीचे जाना है और आपको सबमिट करना है। क्या करते हैं लोग कि यहाँ से अनपब्लिश करने के बाद सबमिट नहीं करते हैं और दोस्तों आपका एप्लीकेशन या गेम प्ले स्टोर से हटता नहीं है। तो यहाँ से आपको जिस नीचे जाके सबमिट करने के बाद आपका ये प्ले स्टोर से आपका गेम या एप्लीकेशन हट जाता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने साइन एपीके बनाया उसका की स्टोर गायब हो गया हो या पासवर्ड गायब हो गया हो, तो आपको दोबारा आप उसे अपडेट नहीं कर पाते हो तो आप उसे अनपब्लिश कर सकते हो इस तरह से। और जब आप सबमिट कर देते हो तो दोस्तों आप ऑल एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हो कि वहाँ पे अनपब्लिश दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अनपब्लिश हो चुका है तो वहाँ पे आप चेक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से क्लियर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परचेज टेस्ट है वो अनपब्लिश हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल।